जब से आमिर लियाकत ने तीसरी शादी की थी, दानिया के साथ जो एक टिकटॉकर भी हैं आमिर लियाकत पर भी उनका रंग जैसे चढ़ गया हो। शादी के बाद से लेकर आज तक आमिर लियाकत आए रोज़ कोई ना कोई वीडियो ऐसी शेयर करते हैं जिसमें वो कभी दानिया के साथ टिकटॉक बनाते नज़र आते हैं या फिर अकेले अपनी वीडियोज़ शेयर करते हैं। जब से दानिया ने आमिर लियाकत से खुला के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, वो तन्हाई का शिकार हैं और ख़ास कर दानिया की जानिब से दोनों मियाँ बीवी की तन्हाई में वीडियो लीक करने के बाद से वो आए रोज़ दानिया को नीचा दिखाने या नसीहत करने या फिर वापस आने का कहकर रोज़ाना टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं। जवाब में दानिया ने वीडियो तो बनाना कम कर दी हैं, लेकिन वो फिर भी वीडियोस बनाती हैं और इस बात का इजहार करती हैं कि अब वो बहुत खुश हैं और आज़ाद हैं। ऐसा लगता है आमिर लियाकत अब टिकटॉक की दुनिया में बाकायदा कदम रख चुके हैं। हालिया वाक्य ने आमिर लियाकत की साख को नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसके बावजूद इनकी फैन फॉलोइंग में कमी ना आई बल्कि इजाफा होता जा रहा है, जिसका अंदाज़ा इनके टिकटॉक पर बढ़ते हुए फॉलोवर से लगाया जा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आमिर लियाकत अब टिकटॉक की दुनिया में अपनी तीसरी बीवी दानिया का मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं या इन्हें पैसों की शदीद ज़रूरत पड़ गई है। बकौल आमिर लियाकत के, मैं पाकिस्तान छोड़ जाऊंगा, बस कुछ कर्ज बाकी है मेरे ज़िम्मे, मैं वो अदा कर जाऊं।